मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ प्रशासनिक विधियां एवं संविधान के कुछ अनुच्छेद के बारे में। यदि आपको सरकार के खिलाफ भी अगर केस करना पड़ जाए तो वो कौन से आर्टिकल के तहत आप ये कर सकते हो, तो उसके बारे में बताएंगे। और रीट क्या होती है, प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी करने को रोकने के लिए रीट का जो प्रावधान किया गया है, रीट कितने प्रकार की होती है और कौन से अनुच्छेद के तहत आप रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में पेश कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बता देते हैं, अगर आपको सरकार के खिलाफ पेश करना पड़े तो कैसे करोगे और कौन से अनुच्छेद के तहत करोगे। सरकार के खिलाफ केस कौन से अनुच्छेद में, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। संविधान का भाग 4, सरकार को कमजोर वर्गों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के साथ उसमें कई कल्याण उन्मुख लक्ष्यों की प्राप्ति की मांग करता है। एक कार्यात्मक सरकार प्रदान करने के अलावा संविधान ने एक विस्तृत नियंत्रण तंत्र भी प्रावधान किया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट में, सॉरी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हो प्रशासनिक अधिकारियों के मनमानी के खिलाफ। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट में रीट और अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226 जो है हाई कोर्ट्स, सभी हाई कोर्टों में आप रीट पेश कर सकते हो। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सरकारी जायदादों की जांच करने के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो कि संविधान के आर्टिकल 32 और 226 में, 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स में, 226 आर्टिकल संविधान के आर्टिकल के तहत आप रीट दायर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300 क्या प्रावधान करता है, आर्टिकल 300 जो है साधारण भाषा में हम आपको बता देते हैं। आर्टिकल 300 व्यक्तियों को सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार देता है। आप सरकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा सकते हो। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 136 के तहत, अनुच्छेद 136 क्या प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अनुच्छेद 227 क्या प्रावधान करता है, 226 का हमने आपको बताई है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाद में, सुप्रीम कोर्ट में 227 जो है, अब उच्च न्यायालय में आर्टिकल 227 क्या प्रावधान करता है, उच्च न्यायालय में 227 जो है उच्च न्यायालयों को उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्तियां से नवाजता है, यानी कि सुप्रिंटेंडेंट्स का काम करते हैं सभी सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, ये अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 227। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 311 क्या प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 311 क्या प्रावधान करता है उसके बारे में बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 311
सरकारी सेवकों को व्यक्तिगत मामलों में सरकार की मनमानी कार्रवाई से बचाता है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, आदेश उपनियम नियम और अधिसूचना को कानून के रूप में परिभाषित करके संविधान के अनुच्छेद 19 ने प्रशासन की सभी विधायी कार्यों को कानून के दायरे में रखा है। तो मुख्य रूप से हम आपको बता देते हैं तो रीट दायर करने के लिए जो रीट 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है रीट 5 प्रकार की, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, प्रतिषेध रीट, परमादेश रीट और उत्प्रेषण रीट और अधिकार परीक्षा रीट। ये 5 तरह की रीटें होती है जो आम नागरिक यूज कर सकता है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स में आप जो है रीट दायर कर सकते हो। और सरकार के खिलाफ आपको मुकदमा करना है तो संविधान का आर्टिकल 300 के तहत आप सरकार के खिलाफ मुकदमा कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें ऐसे ही कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।